नमस्कार मित्रों, सभी को राम राम करता हूँ। प्रकृति को भी प्रणाम करता हूँ। प्रिय मित्रों, अत्यंत प्रसन्नता का विषय है, आगामी 30 अगस्त 2020 को हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन मध्य प्रदेश के द्वारा प्रकृति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दुनिया का प्रत्येक मनुष्य जीवन में जन्म लेते ही प्रकृति की गोद में खेलता है और मृत्यु पर्यंत तक वो प्रकृति की गोद में खेलते रहता है और पूरे जीवन प्रकृति से तालमेल बिठाकर, सामंजस्य बिठाकर, प्रकृति माता की पूजा करते हुए, प्रकृति की अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए अपना जीवन यापन करता है। सनातन काल से ही भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों की पूजा, नदियों की पूजा, समुद्र की पूजा, पहाड़ की पूजा करने की परंपरा रही है। इसी क्रम में आगामी 30 अगस्त 2020 को प्रातः 10 से 11 बजे के बीच में आप भी अपने परिवार के साथ प्रकृति पूजन में, वृक्ष पूजन में सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि इसके लिए आप अपना पंजीयन भी करवाएं। मैंने भी अपना पंजीयन कराया है। मैं डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, राज्यसभा सांसद मध्य प्रदेश, आप सभी से पुनः अपील करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण और इस अभिनव पहल में आप सभी बढ़ चढ़कर सहभागिता करें। प्रकृति वंदन के इस कार्यक्रम को सिर्फ 30 अगस्त 2020 तक के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति का वंदन हमें पूरे जीवन भर करना चाहिए। वृक्षों की पूजा हमें पूरे जीवन भर करना चाहिए। प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण हमें पूरे जीवन भर करना चाहिए। इसी संकल्प के साथ आइए, पुनः प्रसन्नता का विषय है कि 30 अगस्त 2020 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच में आप सब, हम सब मिलकर, पूरे भारतवासी मिलकर प्रकृति वंदन कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। आप उसमें सहभागिता करें। आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको राम राम करता हूँ और प्रकृति माँ को भी पुनः वंदन और अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि वे हम सबको सुखी, स्वस्थ, प्रसन्न और मस्त रखे और उनकी गोद में हम बहुत खुशियों के साथ खेलते रहे। पुनः प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।